अजर देगा, याद रख। किसी ने एक सवाल किया, क्या बियर शैम्पू यूज करना हलाल है? मतलब वो शैम्पू जिसके अंदर, वो शैम्पू को नाम ही देते हैं बियर शैम्पू, या पॉलिश होती है उस पॉलिश पे लिखा होता है बियर पॉलिश, तो पॉलिश होती है, शैम्पूज होते हैं, तो क्या वैसा इस्तेमाल करना, याद रखिए, दुरुस्त है? तो देखिए, बियर शैम्पूज हो गए, बियर पॉलिश हो गए, और ऐसी चीज़ें जिसमें अल्कोहल, बियर मतलब अल्कोहल की एक किस्म, याद रखिए, जो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अल्कोहल के शराब के नाम तब्दील होते हैं। तो सबसे कम दर्जे शराब जिसमें होती है, जो कि 4 से 5% होता है, और बाकी वाटरी कंटेंट होता है, फ्रूट जूसेस होते हैं कभी उसके अंदर, उसको बियर बोलते हैं, याद रखिए। और उससे ऊपर जाएंगा तो उसके अलग अलग, आपने बियर, रम, ब्रांडी वगैरह सुने होंगे, ये परसेंटेज ऑफ अल्कोहल के एतबार से लोगों ने उसके नाम रखे, याद रखे। सबसे ज़्यादा जो चीज़ों में होता है वो 40% तक अल्कोहल होता है, लेकिन प्योर पूरा अल्कोहल कोई भी नहीं पीता है, उसका वाटरी कंटेंट मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ पानी या लिक्विड दूसरा होता ही, हमेशा याद रखिए। तो लिहाजा जो सबसे हार्ड भी पियेंगे तो 30 से 40% होता है, उससे ऊपर नहीं पी सकता कोई, याद रखिए उसको डायरेक्ट, वरना पीते इंसान को खय हो जाती है उससे। तो नतीजतन अब सवाल ये है, क्या ऐसी चीज़ें बियर जो कि 4 से 5% तक या उससे थोड़ा ज़ायद या कम कुछ परसेंटेज अगर हो किसी अशिया में जो इस्तेमाल की हो, जैसा कि साबुन या शैम्पू का सवाल ले ले, या फिर इसमें हम पॉलिश डाल दें, पॉलिश पे भी आता है, तो क्या ये परफ्यूम्स भी डाल दें इसके अंदर, परफ्यूम ही होता है, तो क्या दुरुस्त है? तो याद रखें, इस पर जो अक्सर उलमा का फतवा है वो ये है कि ऐसा ना किया जाए तो यही बेहतर है, ऐसा ना किया जाए तो यही बेहतर है। लेकिन दूसरा फतवा भी वो ये है कि अगर अल्कोहल जो इसमें डाला जा रहा है वो अल्कोहल वो है जो पीने वाला अल्कोहल नहीं है, जो उसके आइसोमर्स होते हैं, जैसा कि आप देखेंगे परफ्यूम्स वगैरह पे, एक तो वो आता है जिसमें लिखा होता है नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम, मतलब जिसको हम अतर बोलते हैं आम जबान, और एक होता है परफ्यूम, जिसको परफ्यूम बोलेंगे उसमें अल्कोहल होता ही, चूँकि उसमें स्प्रे होता है, और अल्कोहल जैसी स्प्रे आप वो करते हैं वो बाहर निकलता है प्रेशर से, याद रखें। तो लिहाजा वो परफ्यूम मतलब अल्कोहल, और नॉन अल्कोहलिक मतलब अतर को बोलते हैं आम जबान में, और लिखा भी आता है कुछ परफ्यूम से इसमें अल्कोहल नहीं है, इसमें शराब नहीं है। तो लिहाजा वो कहते हैं अगर आइसोमर्स हो, मतलब वो अल्कोहल का फॉर्म हो जो अल्कोहल का फॉर्म ड्रिंकेबल नहीं होता है, पीने वाला नहीं होता है, ठीक है, और जब वो किसी चीज़ से मिला दिया जाए तो इनसेपरेबल हो जाता है, अंदर डालने के बाद उसको अलग नहीं किया सकता कि कोई उसको लेके जाए फिर अलग करके पीना शुरू करे, समझा, इनसेपरेबल होता है, पीने वाला नहीं होता, जिसको आइसोमर्स बोलते हैं। मतलब एक तो अल्कोहल होता है जो रियल अल्कोहल होता है, और एक अल्कोहल होता है जो केमिकल फॉर्म होता है, जैसे हर चीज़ का आजकल केमिकल फॉर्म आ गया, जैसा एक शुगर होती है जो हम कहते हैं शक्कर, लेकिन उसका केमिकल फॉर्म भी आता है, उसको शाकरीन बोलते हैं, मतलब शाकरीन की कुल्फी है, ये शक्कर की कुल्फी है, तो शाकरीन आप मालूम उसका क्या मतलब, शक्कर का केमिकल फॉर्म से केमिकली बनाई हुई शक्कर वो शाकरीन है, समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा वो ऐसा केमिकल फॉर्म होता है, उसको आइसोमर बोलता है, आइसो इथिल, आइसोमिथिल, आइसोप्रोपिल, आप डब्बियों पे परफ्यूम्स में लिखा हुआ आता है, तो वहाँ कुछ उलमा ने इजाज़त दी, जबकि वो उसका केमिकल फॉर्म है, नॉन ड्रिंकेबल फॉर्म है, और नॉन सेपरेबल होता है अंदर डाले बाद, तो ऐसी चीज़ में वो कहते फिर इस्तेमाल की इजाज़त। तो लिहाजा बेटर तो ये है कि बियर वाले शैम्पू, बियर वाली साबुन, बियर वाली पॉलिशेस, और अल्कोहल जिसको बोलेंगे अल्कोहल, बियर वो चूँकि कॉमनली बोला जाता है, वरना अल्कोहल वाली शैम्पू, अल्कोहल वाली पॉलिश, अल्कोहल वाले परफ्यूम्स, इसको अवॉइड करना बेटर है। बट अगर कोई कहे नहीं, अगर ऐसा हो तो ऐसे फतवे मौजूद है कि अगर वो इनसेपरेबल हो, उसका केमिकल फॉर्म में हो, और जाहिर सी बात है वो पीने वाला अगर ना हो, तो फिर कुछ शरारत के साथ वो कहते हैं ऐसा दुरुस्त है। और उसी पर मैंने कुछ पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि परफ्यूम्स वाले अल्कोहल, परफ्यूम्स वाले या परफ्यूम जिसमें अल्कोहल हो उसको आप स्प्रे कर सकते हैं, और वही रीज़न था कि उसके अंदर वो उसका केमिकल फॉर्म होता है, ड्रिंकेबल फॉर्म नहीं होता, और वो बाद में सेपरेट भी नहीं होता, अलग नहीं होता कि कोई उसको अलग से करके पी ले, तो बहरहाल फिर ये मजबूरी। इसी तरह यही चीज़ होती है दवाओं के अंदर भी, कभी हम मजबूर हो जाते हैं दवाओं में, तो बहरहाल ये मजबूरी वाली कैफियत है, और यहाँ तो चॉइस होती है, तो अवॉइड करना, बहरहाल मैं सजेस्ट तो करूँगा अवॉइड कीजिए, यही इंशाल्लाह बेहतर और अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।